नमस्कार मेरे सभी एक्सेल यूजर्स को, आज ये मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। ये है EDC 8755 महिंद्रा का जो ECM है उसके फ्लैशिंग के ऊपर है ये। हालांकि हमारे जो एक्सेल यूजर्स हैं वो उनको पता है कि फ्लैशिंग किस तरीके से होती है, किस फोल्डर में जाके होती है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो हमसे एक्सेल यूजर्स जो नए जुड़ रहे हैं उनको कई बार क्या होता है फ्लैशिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो इस वीडियो को देखे और सीखे कि हम महिंद्रा की जो फ्लैशिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, आप देखिए। ठीक है, आप ये मैंने ऑन द टेबल वर्क कर रही हूँ। ये जो हमारा ECM है 8755 EDC 8755 और यहाँ पे मेन पॉइंट जो है ये यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे एक्सेल यूजर्स हैं उनको क्या होता है कि कई बार हम पूछते हैं कि कौन सा ECM है, ECM का नाम बताइए, तो कई बार उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नहीं पता होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो ये सिंबल दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये बॉस का सिंबल है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ECM कौन सा लगा हुआ है, कि बॉस का सिंबल यही रहता है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको क्लियर एक बार फ़ोन में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बॉस का सिंबल होता है, इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, इंजेक्टर पे भी यही, जो बॉस के इंजेक्टर होते हैं उनके भी यही सिंबल रहता है। ठीक है, बाकी मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये हमने इग्निशन ऑन कर रखा है, इग्निशन ऑन है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, जब हम फ्लैशिंग करते हैं उस टाइम पे आपका नेट कनेक्ट रहना चाहिए। नेट सही से कनेक्ट रहेगा तो फ्लैशिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो फ्लैशिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे नेट कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो फ़ोन से नेट कनेक्ट कर लेते हैं तो फ़ोन पे कॉल वगैरह आ जाती है तो वो रिसीव कर लेते हैं, तो उस टाइम पे जो नेट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है फ्लैशिंग भी रुक जाती है। तो उससे क्या होता है जो डाटा होता है ना, डाटा क्रैश हो जाता है। हालाँकि हमारे टूल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर फ्लैशिंग रुक गई है तो आगे भी हम कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये हमारी सेफ्टी के लिए कि हम जब ये चीज़ है तो हम रिस्क क्यों ले, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि फ्लैशिंग किस तरीके से करते हैं। पहला हमारा पॉइंट दिख रहा है आपको, डायग्नोस्टिक पे जाएंगे, महिंद्रा। अब यहाँ पे देखिए मैं जो है फ्लैशिंग करनी है तो IC फ्लैशिंग पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था ECM बॉस EDC 8755 है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जो गाड़ी का मैं फ्लैशिंग करूँगी वो है महिंद्रा की ज़ाइलो। तो यहाँ पे देखिए ये आपको महिंद्रा की ज़ाइलो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब कभी कभार क्या होता है कि जो यूज़र्स हैं हमारे पुराने, सॉरी जो नए यूज़र्स हैं वो फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या हम बोलते हैं कि गाड़ी पे क्लिक कीजिए, गाड़ी पे क्लिक करते ही वो यहाँ पे ओके कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। अब ये गाड़ी ओपन हो के आई, हमें इस पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कई कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी फंस जाते हैं, तो ये है क्या चीज़ आपको मैं ये भी बता देती हूँ। ये देखिए MHOP E9 MHOP H सीरीज, यानी कि ये आपके इंजन की मॉडल दे रखे हैं, मॉडल के हिसाब से आपके जो RCU RC पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मॉडल दे रखे हैं इंजन के, तो इससे हम जो हमारी गाड़ी का इंजन होता है उसके नाम दे रखे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर नहीं क्लिक करते यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें इस पर क्लिक करना होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना होता है। अब देखिए जैसे हमने किया यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुल लिख के आ गए। ठीक है, यानी कि हमारे जो फ्लैशिंग है फ्लैशिंग करने के लिए सक्सेसफुल ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इरिस फ्लैश लिख के आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो डाटा है रीड एंड राइड होगा, मतलब पहले लेगा फिर बाद में देगा, रीड करेगा फिर उसके बाद में, रीड करने के बाद उसमें डालेगा डाटा। ठीक है, ये देखिए हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है,
फ्लैशिंग ऐसी जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमें फ्लैशिंग करनी होती है 1755 eSIM की। 1755 eSIM की जो फ्लैशिंग है फ्लैशिंग इसी तरीके से करनी होती है। आगे का प्रोसेस है जो फ्लैशिंग के बाद हमें करना होता है वो मैं आपको बताऊँगी, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अभी मैं रोक देती हूँ, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट है। ये देखिए हमारा जो फ्लैशिंग है एक बार हो चुका है, रीड कर चुका है डाटा को। अब यहाँ पे देखिए आगे का प्रोसेस है। ये देखिए आगे का मतलब रीड करके राइट कर रहे हैं, मतलब जो डाटा है ना उसने उस डाटे को रीड कर लिया। रीड करने के बाद उसमें डालेगा डाटा। ये देखिए इग्निशन आपका ऑन ही रहना चाहिए, इग्निशन ऑन ही है। बाकी मैं ऑफ करती रही, मतलब ऑन बीच बीच में करके दिखाती रहूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना इसीलिए। ये देखिए अभी फ्लैशिंग चली रही है। ये देखिए फिनिश होने वाली है। ये देखिए हमारी जो फ्लैशिंग है वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फ्लैशिंग डन सक्सेसफुल, प्लीज़ टर्न ऑफ द इग्निशन। ये जो हमारा इग्निशन है उसको 40 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे, और पहले तो हम इसको ओके करेंगे। 40 सेकंड के इग्निशन को हमने ऑफ कर दिया। अब एक फ्लैशिंग करने के बाद जो हमारा आगे का प्रोसेस है, जो मतलब की प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फॉलो करनी होती है, जैसे कि हमारा हो गया ECM का और EMU का जो नंबर होता है, बिन नंबर होता है, उसको हमें रीड एंड राइट करना होता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर EMU सीन करना होता है, उसके बाद में की प्रोग्रामिंग करनी होती है, फ्लैशिंग के बाद के ये सारा प्रोसेस है, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊँगी। तो इग्निशन को हम ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया। अब देखिए हम जाएंगे स्पेशल फंक्शन पे। स्पेशल फंक्शन पे जाने के बाद की प्रोग्रामिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे। एग्री, यहाँ पे महिंद्रा का ऑप्शन को एक बार देख लेंगे, महिंद्रा का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम न्यू सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो विन नंबर है रीड एंड राइट करना पड़ेगा, तो हम स्पेशल फंक्शन पे जाएंगे। इग्निशन हमारा ऑन है, ओके करेंगे। रीड विन कोड, पहले हम EMU का चेक करेंगे, ठीक है। EMU का ये विन नंबर है, इसका हम फोटो खींच के रख लेंगे, अपने पास फोटो क्लिक करके रख लेंगे। ये हमारे EMS यानी कि ECM, ये हमारा ECM का भी नंबर है। कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारा जो EMU है, EMU का जो भी नंबर है वो सेम रहता है, क्योंकि EMU की तो हमने फ्लैशिंग नहीं किया। लेकिन कई कभार क्या हो जाता है, जो हमारा EMS है यानी कि जो हमारा ECM जिसके हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी नंबर होता है ना वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 59 दे रखा है, कभी कभार मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पे 49 हो गया है, और जो यहाँ पे है उसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, यानी कि जो हमारा EMU है EMU से हमें मैच करना पड़ेगा। तो मैं आप बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। राइट बिन कोड EMU, EMU का मतलब कोड यही है, EMU को चेंज नहीं होगा क्योंकि हम EMU की फ्लैशिंग नहीं किया, हमने ECM की फ्लैशिंग की है। ओके, यस, सक्सेसफुल, ठीक है। अब आ जाते हैं EMS। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभार क्या होता है कि फ्लैशिंग करते हैं ना, तो जो बिन नंबर है वो चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तो हमें यहाँ से हम पुट करके जो EMU का बिन नंबर है सेम मैच कर देते हैं, फोटो क्लिक करके मतलब देख लेते हैं कि जो EMU पे बिन नंबर है वही यहाँ पे भी EMS में भी डाला होना चाहिए, ठीक है। हमने देख लिया, ओके ठीक है, डन, ओके, यस, सक्सेसफुल, ठीक है। अब बाकी आगे के प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्लियर ट्रबल कोड करेंगे EMU का,
ईएमएस का, फिर ईएमओ का, मतलब दो तीन बार इसलिए क्लियर कर लेते हैं ताकि वो कोड दोबारा बन के ना आए। अब आ जाते हैं आपका इमोबिलाइजर, ऑटो आइडेंटिफाई, इग्निशन ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इमो सिम करना है, ठीक है। इमो सिम जैसे करेंगे ना, यहाँ पे देखिए इमो सिम करेंगे, ये आपका प्रोग्राम वन के लिए आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। हम ये नहीं दिखा पाऊंगे क्योंकि इसमें हमने गाड़ी को कनेक्ट नहीं कर रखा है, ये ऑन द टेबल वर्क कर रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ किस किस फोल्डर में जाके आप ये वर्क करेंगे फ्लैशिंग के बाद का, और फ्लैशिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। वन जो प्रोग्राम वन की लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे सक्सेस लिख के आ जाएगा, फिनिश लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 मिनट के लिए इग्निशन ऑफ करने के लिए बोलेगा, 2 मिनट के बाद इग्निशन को ऑफ कर दीजिएगा, 2 मिनट के बाद फिर ऑन करके जो आपको क्लियर ट्रबल कोड दिख रहा है इस पर जाके क्लियर ट्रबल कोड कीजिएगा 2-3 बार। फिर उसके बाद में की प्रोग्रामिंग पे जाइएगा, यहाँ पे की प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, आपको वन की मतलब वन की बनानी है तो आपको वहाँ पे बोलेगा कि फर्स्ट की आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है, अदर की करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो यस करेंगे, नहीं करनी है इस कोडिंग दूसरी की तो आप नो कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा की इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो हमने जो चाबी हमने प्रोग्राम किया वो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कीज दिख जाएगा, मतलब जो जितनी भी चाबी आपकी प्रोग्राम हुई है वो यहाँ पे आपकी शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यही प्रोसेस रहेगा फ्लैशिंग के बाद, मतलब आपको मैंने इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ, जो भी यूज़र्स हैं हमारे, जो नए यूज़र्स हैं जो एक्सटूल यूज़ कर रहे हैं, उनको फ्लैशिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जिनको भी फ्लैशिंग करने में की फ्लैशिंग के बाद की कोडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हमने ये फ्लैशिंग करी है ये S6 Elite के साथ की है। थैंक यू एक्सट्रूल इंडिया।